हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आप जो है मेरे हिसाब से दो वीडियो देख रखे होंगे। कौन कौन सा? हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो पूरी देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है करके। फिर आफ्टर देन आप क्या देखे होंगे, मेरे हिसाब से मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप देखे होंगे वन शॉर्ट वीडियो को, जिसमें मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने का बताने का पूरा कोशिश किया हूँ उसमें, जो भी है उसका, ठीक है। कुछ पार्ट्स उसका बाकी है, उसको ला दिया जाएगा उसमें से भी, ठीक है। और इस वीडियो में तो अगर आप वो दोनों वीडियो देख रखे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ईजी जाने वाली है। प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, तो आपके फाइनल एग्जाम के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको एक चीज़ देखना है, हम आपका टेस्ट नहीं ले सकते बट एज अ टेस्ट ये वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि आप खुद का टेस्ट ले सको कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है और कितनी बाकी है करके। हम फिर से प्रीवियस सब्जेक्ट की जैसे इस सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस सेट बी ला के दे रहे हैं आपको, ताकि आप प्रिपेयर कर सको। और बता दूँ सीट ए ऑलरेडी डल गई बहुत पहले का, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से अच्छा हो सके। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा दें। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एज ए टी के क्वेश्चंस आपका बोर्ड में नहीं आने वाला, बट भाई इंग्लिश है, आपको पता है, आप रणनीति देख रखे हो, आप हमारी स्ट्रेटजी वीडियो देख रखे हो, आपको पता है कि इसमें बहुत सारा कन्फर्म टॉपिक है जो आएगा ही आएगा, इसलिए आप वैसे चीज़ों को फॉलो करते चलेंगे और आपको जो भी क्वेश्चंस बताया गया इसमें। अब देखो हम अपनी तरफ से गैस पेपर करा रहे हैं, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाए तब तो अच्छी बात है, ठीक है, बट आपको प्रिपेयर रहना है, तीनों सेट आपको अच्छे से करते हुए चलना है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। डैडी वाज ब्लैंक बिफोर पासिंग हिज फ्रीलांस राइटिंग। फ्रीलांस राइटिंग से पहले वो क्या करते थे? एंकर थे, अ न्यूज रीडर इन एन IAIR थे, मिमिक्री आर्टिस्ट थे, एन एडिटर। तो क्या हो जाएगा ये? अ न्यूज रीडर इन ऑल इंडिया रेडियो वाला, क्लियर। फिर इसका क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है भाई कि बैंकर्स ऑफ मिस्ड द ब्लैंक टेस्ट। कौन से टेस्ट मिस किए थे? तो वो मैथ्स की टेस्ट जो है मिस किए थे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि हाउ मच डिड आंट जैन गिव जैक एंड जील एज देयर वेडिंग प्रेजेंट। तो कितना दिए हैं यहाँ से आपको टेक आउट करना है, ठीक है। तो इसके आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितना वेडिंग प्रेजेंट में गिफ्ट दिए थे एज अ गिफ्ट, ठीक। फिर फोर्थ, वार्ड क्रिएचर सुम्बर डज नॉट इमेजिन। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते, फट से इसको देखे, फिर पढ़े रहते इमेजिन इमेजिन वाला, तो वो ड्रैगन को टेक आउट कर लेंगे। बट ध्यान देना भाई, यहाँ पर बोला क्या गया है, डज नॉट इमेजिन, मतलब कौन सी चीज़ों को इसमें इमेजिन नहीं करता है, तो उसको आपको पूरी लिस्ट को देखना पड़ेगा। वो ड्रैगन को करते हैं भाई टेक आउट है, बियर्स को भी करते हैं, ओल्व्स को भी करते हैं, तो बचा कौन सा आपका? टाइगर। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक हड़बड़ी में गड़बड़ी आपके मार्क्स को डुबा सकता है। भाई हम साल भर मेहनत किए है ना, इसलिए ध्यान से करना, क्योंकि इंग्लिश की पेपर मैक्सिमम दो घंटे ढाई घंटे में बन जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भी नहीं करना है, आपको ध्यान से बनाना है, टाइम मैनेज करते हुए राइटिंग भी अच्छे से बनाना है, क्योंकि आपको उसके लिखते टाइम अपने आप को एज अ टॉपर फील करना ही पड़ेगा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो इस छत्तीसगढ़ के बेस्ट कॉपी होनी चाहिए, ये मान करके लिखा करो पूरी चीज़ों को, अंडरस्टैंड। तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या बोला जा रहा है। क्वालिटी दैट द स्पीकर ट्रूली ओन इज, स्पीकर के पास कौन सी क्वालिटी थी? तो यहाँ पर ऑल ऑफ दोज में भी हो सकता था, आप कमेंट करके इसको बताएंगे, ठीक है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स पे, जैसे कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, कन्फर्म टॉपिक, तो ये जो है मान के चलो कि कन्फर्म टॉपिक है, क्या यही आएगा भाई? ये तो नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस यही सेंटेंस चेंज हो सकता है, लेकिन वही आपका एन द आएगा, मच में नहीं आएगा, फ्यू आएगा, सीन्स फॉर आएगा, वो कन्फर्म टॉपिक है। इसलिए ऐसी चीज़ों को प्रिपेयर करते चलो, और आपको एकमात्र हमारे चैनल जिसमें छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्रामर्स पूछे जाते हैं वो सभी ग्रामर्स की वीडियो विद शॉर्ट ट्रिक वाली मिल जाएगी। जैसे आपको एंदा नहीं आती, तो सपोज दैट आपको एंदा नहीं आता, तो आप ए एंदा बाई एकलव्य आरके सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगी। मच में नहीं आती, तो दो मिनट में आपको मच में नहीं सिखा के वापस भेज देंगे और ये आप आराम से यहाँ टेकआउट कर पाओगे। अगर नहीं आती तो आपको देना पड़ेगा वो टाइम चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो चलो इसकी आंसर्स देखते चलते भाई। सोहन, तो यहाँ पर देखो ओनली सन ऑफ मिस्टर शर्मा, इसलिए यहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है। हाउ, देखो मनी जो है, मनी है, तो यहाँ पर मच और मेनी में इसके आएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देखते हैं, तो मनी को अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए यहाँ पर मच आएगा, अंडरस्टैंड। फिर आई हैव अ फ्री फ्यू फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर माई मदर हैज़ बिन लिविंग, तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या है भाई, आपका 30 है,
थर्टी ईयर है, नंबर है, नंबर है मतलब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जहाँ पर भी इस तरीके से नंबर हो तो क्या लगाना होता है, फॉर लगाना होता है। अदरवाइज यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग नाइट इवनिंग ऐसा रहता है, और ऐसा दे देते 2025 मान के चलो, सब होता है एग्जैक्ट जब फिक्स टाइम बताते तब वहाँ पर सिंस लगता है। अब तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सी वांट्स पेपर सम पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको मैच द कॉलम को भी आप कन्फर्म टॉपिक मान के चलो, क्यों, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ये हालांकि इसको पूरा के पूरा आपको उठा के नहीं देंगे, बट जो भी आपको देंगे इसी से मिलता जुलता ही देंगे, इसमें से एक दो आपको तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको सीखने में, ठीक है। क्योंकि आपका अगर 5 से 6 मैच द कॉलम कर लोगे तो डेफिनेटली आपका श्योर हो जाता है। अब मॉडल पेपर का मैच द कॉलम कर लो, और साथ ही साथ अगर आपको नीड है कि एक्स्ट्रा कर लो, क्योंकि गलती से भी आपका ना छूटे, आप 75 करके आना है, तो आप सिंपल सा भाई 10 मिनट 15 मिनट का ट्रेंडिंग का लो, मैच द क्लास 10th मैच द कॉलम भाई एक लव्यार पे सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैं आपको कम से कम 10 मैच द कॉलम कराया हूँ प्रीवियस ईयर का, जिससे आप देख सकोगे कि किस तरीके से होता है, आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी कर पाओगे, तो आप मैच द कॉलम कर सकते हो। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप अगर वैसे भी नहीं मिलता तो आप इस लिंक से टच करके कर लोगे। तो इसके आंसर्स बता देता हूँ, आप आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे, तो चलो देखते हैं कि किसका किसका करेक्ट हो रहा है। द ग्रास वॉज येलो बोला गया, तो ग्रास वाला हमेशा रैन में जाता है, याद रखना, एज इट हैड नॉट रेन, बारिश नहीं हुआ इसलिए भाई वो ग्रास येलो है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो कंप्लीटेड वाला हमेशा स्लिप में जाता है, हमेशा ऐसा। टेक अ टैक्सी, टैक्सी ले लो, नहीं तो और यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन को मिस कर जाओगे इस तरीके से। वी हैड नॉट ईट एनीथिंग, हम कुछ नहीं खाए इसलिए कहाँ जाएंगे, सो वी वेंट टू रेस्टोरेंट, तो वो उसमें जाएगा। बच्चा क्या, सी हैड लिव्ड इन दुर्ग, तो वो जाएगा किस पर, दिल्ली में। तो देखो इसमें नाम बस बदला जाता है, सेंटेंस सिमिलर आपको इसी वे पे ही पूछेंगे, ठीक है। तो आप कम से कम वो कर लो मॉडल पेपर का 4, और इसमें से 3 आपको ये मिलेगा, वो 3 तो 6 इतना कर लोगे, 4 और 3 से 7 हो जाएगा, तो 7 में आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2 to 5 जो है आपके पोएम वाले पोर्शन से, तो इन क्वेश्चंस को तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 3 मार्क्स वाले, सॉरी प्रोज का है ये, ठीक है, प्रोज का आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना ही है, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि एग्जैक्टली यही आएगा, बट आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। तो व्हाई डिड एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस, क्यों उनको गर्ल को कॉन्फ्रेंस में क्यों भेजे, ये बताना है आपको सिंपल से, एक्चुअल रीजन क्या था, ठीक है। दूसरा लिस्ट द थिंग्स दैट बेड गाइस बदर द चिल्ड्रन अबाउट, है ना, मतलब जो बेड गाइस है बच्चों को कैसे परेशान करते, तो सिंपल से है ना, वो बदर कैसे करते थे, यूजिंग बेड वर्ड, है ना, दे बदर्ड बाई यूजिंग बेड वर्ड। दूसरा अबाउट हिज कलर, हेयर कलर, इस तरीके से है, वो कैसे बोलते और कैसे खेलते हैं उस पर भी बोलते थे, ठीक है, इस तरीके से कर लो ना। फिर वाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाइट डाउन ऑन द बेड, जो आंट जैन है उन्होंने बैठने से मना क्यों कर दी, इसको लिखना है। फिर वाई इज द नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आने लायक है, ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को करते चलेंगे, क्लियर। फिर आपका देखो पोयम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पोयम वाली क्वेश्चंस बहुत आसान होती है, उसको बहुत ईजी टर्म में देना होता है आपको। तो देखो व्हाट वॉज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ, लिटिल काइट किस चीज़ से डरते थे, किस चीज़ से, तो टू फ्लाई, सिंपल से लास्ट में क्या लिख दो देना, टू फ्लाईज की आंसर हो जाएगी एक लाइन में। व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेंट, स्पीकर्स का क्या कंप्लेंट था, तो स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट ही वॉज इग्नोर एंड क्या किया जाता था, उसको इग्नोर किया, दैट ही वॉज इग्नोर, तो सिंपल से इग्नोर बस भी लिखोगे तो इसके आंसर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं देना होता है, इसके आंसर 2 मार्क्स वाली है ये, ठीक है। बोल सकते हो या जैसे कि उनका क्या नहीं किया जाता था, जैसे डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, तो ही वॉज दैट ही वॉज इग्नोर एंड डिसरिस्पेक्टेड बाई एवरी वन, ऐसा करके इसके आंसर्स आप दे सकते हो, क्लियर, आई थिंक आपको याद आते जा रहा होगा। फिर वाई डिड बेंकन शॉप नॉट ब्रिंग द फिजिकल किट, तो फिजिकल किट क्यों नहीं लाए, तो इस चीज़ों को बताना है। फिर वाट डिड सुम्बा, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको चेंजेस तो होंगे, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा।
वट वुड सुम्बा डू इफ ही कैम अक्रॉस वॉल्स गेट्स एंड फ्रेंड्स, इसमें लिखना है। फिर वाट इज द पोइट्स डिमांड, पोइट्स का डिमांड क्या था। आपको करना क्या है, सिंपल सा कि वो क्वेश्चन जैसे कि है मॉडल पेपर्स तो पूरी तरह से करोगे, उसके बाद इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर से आउट ऑफ बाहर लगेगा आपको, उनसे बाहर का। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद पैसेज, पैसेज को तो भाई कंप्लीटली आप, क्योंकि हम दो पेपर्स देख लिए, ट्वेल्थ का हिंदी देख लिए, टेंथ का हिंदी देख लिए, उनमें पूरी तरह से पैसेजेस की बात करें तो यहीं से पूछा जा रहा है ना। इसलिए आप कम से कम, आपकी पहला ड्यूटी होती है कि आप यहाँ से चार अनसीन पैसेज दिखेगा, क्योंकि फाइव मार्क्स वाला क्या होती है, ये वाली फाइव वाला होती है, सीन पैसेज होती है, ये सीन पैसेज आपका बुक से ही आना रहता है, तो बुक का कोई सा भी पोर्शन खंड ला के दे देंगे, तो चार सीन पैसेज आप कर लो फाइव फाइव मार्क्स वाला, वो बुक से ही आना है, तो बुक का तो पूरे नहीं कर सकते, एटलीस्ट तो मॉडल पेपर में जो वो क्वेश्चंस कर लो इस तरीके से। ठीक है, तो इसको कर लेना। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम जा रही है तो बता देना, हम इसको कैसे इसके आंसर्स ढूंढते हैं वो चीज़ें आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है, बट आपको ईमानदारी के साथ इन चीज़ों को और खुद का प्रिपेयर कर सकते हो तो कर लो पहले, अगर नहीं बनेगा तब बताना है आपको। ठीक है, तो फाइव मार्क्स से एक एक मार्क्स में इसके आंसर्स देना रहेगा। ठीक, फिर आगे बारवा में देखो, बारवा में क्या बोल रहा है, यू आर अंकित गौतम, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्ले ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, तो प्रिपेयर लॉस्ट फॉर नोटिस। तो देखो नोटिस दो तरीके से आएगा, एक तो कंपटीशन में आएगा और एक इसमें आएगा, जैसे कि यहाँ पर क्विज कंपटीशन है, तो भाई आपको कंपटीशन कुछ अब मत बोलना कि भैया सर आप तो प्रैक्टिस सेट में क्विज कॉम्पिटिशन दिए थे सेट बी में, तो मेरे सेट बी में तो नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सेट बी को समझना पड़ेगा कि ये कंपटीशन का आएगा, तो कोई भी कंपटीशन हो सकता है, वो डांस कंपटीशन भी हो सकता है, सिंगिंग कंपटीशन भी हो सकता है, साइंस जीके कंपटीशन भी हो सकता है, तो आपको कोई सा भी कंपटीशन नोटिस आएगा, इसकी कंपटीशन की फॉर्मेट देखो चैनल से और लग जाओ उसको कर लो अच्छे से। ठीक, फिर यहाँ पर देखो एक चीज़ है इसमें, जैसे कि हिंदी में क्या वेरिएशन होती है वो पता है सबको कि हिंदी में चेकर हर साल निबंध में वेरिएशन देते हैं और करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में मैं जहां तक देखा हूं प्रीवियस दो तीन ईयर की क्वेश्चंस उठा कर देख लो, रिपीट नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ है। फिर भी हम उन क्वेश्चंस को जो मॉडल पेपर्स में है उसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रोवाइड करा दें, कि जैसे कि पिछले सेट में हम स्मोकिंग का डाले थे और एन इलेक्शन डाले थे, तो इस सेट में मैं आपको हम लोग को क्या बोल रहा हूँ, इसमें वैरी हो सकता है, ये नॉन कन्फर्म टॉपिक है भाई। ठीक है, याद रखेंगे, तो हेल्थ इज़ वेल्थ करना है, इसके बेसिस पर करना है, और कैसे लिखना है ये लिखने की तरीका भी मैं बता दिया हूँ कि अगर आप प्रिपेयर नहीं किए हो तो कैसे लिखते हैं, तो छोड़ के तो आना नहीं है भाई, आए चाहे ना आए आपको प्रिपेयर कम से कम अभी तीन से चार कर लो, आ जाए तो अच्छी बात है ना, बल्ले बल्ले आपकी कि आप बेस्ट अटेम्प्ट करके आओगे, बट अगर नहीं आती तो वैसे ही क्वेश्चंस को भी आपको इन्हीं भीड़ के बेसिस पर करना है, तो पैराग्राफ राइटिंग वाले एक वीडियो मैं बना दिया हूँ कि कैसे लिखना है, तो वो आप देख सकते हो। फिर इसमें क्या डाल दिया गया, द इंडियन फार्मर, तो द इंडियन फार्मर भी आप कर सकते हो भाई। ठीक है, उनके में ये वर्ड्स आना चाहिए। फिर आपको बुक बैंक बोला गया भाई, ठीक है, तो बुक बैंक पिछले में क्या क्या सही टी में क्या क्या प्रोवाइड कराया गया था आपको, परमिशन फॉर पिकनिक, तो इसमें बुक बैंक कर दिया, जाहिर सी बात है आप TCCC तो आपको आना ही चाहिए, तो TCCC कर सकते हो, और उसके बाद आपको फिर भी बाकी है तो फी कंसेशंस वगैरह ये डाल सकते हो उसके बाद ना, अगर ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि फी कंसेशंस 23 में आ रखे आई थिंक, तो चांस कम है, इस वजह से उसको लास्ट में ही रखो ऑप्शन में, TCCC, बुक बैंक और परमिशन फॉर पिकनिक, ये तीनों कर लो, या उसको आपको इस तरीके से ब्रदर सिस्टर मैरिज के बाद एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाला करना है, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कि आपके दोस्त के यहाँ यहाँ रहते हैं इस तरीके से, आपको एक लेटर लिखना है तो लेटर कर सकते हो। फिर आपका आएगा डू इज डायरेक्टेड, डू इज डायरेक्टेड पे भाई इसी तरीके से वेन या वाइल वाला पूछा जाएगा, क्वेश्चन टेक पूछा जाएगा, इम्पेटिक पूछा जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा, कंबाइन पूछा जाएगा, बट सेंटेंस थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, इसलिए आप मॉडल पेपर के बाद इन क्वेश्चन को तो करना है, प्रैक्टिस करना ही है, तो ये सब चीज़ें करके जरूर देखना। ठीक है, नहीं बनेगा तो बताना, हम इसके आंसर्स बता देंगे, और बन जाएगा भाई, क्योंकि हम डू इज डायरेक्टेड की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, आपको पता है, आप लोगों ने बहुत पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं, ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम आ रहे हैं तब आपके लिए काम कर रहे हैं, साल भर लगे हुए भाई आप लोगों के लिए, है ना, जब से आप टेंथ में कदम रखे हो ना तब से हम आपके लिए लगे हैं। ठीक है, और आज भी लगे हुए हैं आप लोगों के लिए कि आपके एग्ज़ाम्स बेस्ट हो सके, आप लोगों के लिए बेस्ट रिजल्ट के लिए, तो आप लोग भी वैल्यू समझो, जो भी चीज़ें रिकमेंड किया जा रहा है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को फॉलो करो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 पैसेज आएगा, जो कि अनसीन पैसेज रहेगा, और अनसीन पैसेज है भाई वो 8 मार्क्स की आती है, तो आपको अनसीन पैसेज भी प्रिपेयर करने आना चाहिए, पूरे को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस तरीके से 8 मार्क्स के लिए आपको आंसर्स देने, देखो
इसमें 8 क्वेश्चंस डाल दिया गया है, ठीक है, चीज़ों को समझने अच्छे से करना। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चंस देखो इसमें क्या वैरी हो सकता है, चांस कम है भाई, क्योंकि इंग्लिश में हमारा जो हमें जहाँ पर भी रिक्स है वो है पैराग्राफ, बाकी ये तो आने की इसमें से चांसेस है एटलीस्ट दो तो करके रखो, प्लस 3 में कुछ रखो। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ उस वाले वीडियो में, जैसे कि ये तीनों कर लेते हो, है ना, इम्पोर्टेंस, ये साइंस के रिलेटेड माई ओबी और स्पोर्ट एंड गेम, ये सब चीज़ें कर लेते हो तो वो आपका हो जाता है। तो कम से कम दो तो करके ही रखो, दो प्लस होना चाहिए, दो मिनिमम है और 3 के लिए आप जा सकते हो, और भी आपके पास टाइम है तो आप 4 के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए भाई, आपको एकदम परफेक्ट देके आना है। तो कम से कम 2-3 करके रखो। माई ओबी वंडर ऑफ साइंस हर साल आया है, तो मे बी इस साल भी आ जाए, तो आ जाए तो अच्छी बात है, दोनों में से एक तो आना ही है, इसलिए करके रख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक आप पूरी चीज़ों को ध्यान में रखोगे और अपना बेस्ट देकर आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, बैठ के टेस्ट ले लो सबका। ठीक है।